नमस्ते प्रणाम। और हमारे भाई अहिरान स्टार टुनटुन जी का, यानी सिंगर हमारे छोटा भाई टुनटुन जी का जन्म है और आज ही के दिन वो इस धरती पे आए थे और पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं वो। तो मेरे तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से टुनटुन आपको हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, ढेर सारी शुभकामना आपके जन्मदिन की, कि आप ऐसे ही एकदम अपना झंडा लहराते रहिए, हमारी शुभकामना है और पूरी भोजपुरी के दिल पे राज करते रहिए। लव यू भाई। और हर जगह यूट्यूब पर छवा दलो करेंगे नमस्ते प्रणाम। और हमारे भाई अहिरान स्टार टुनटुन जी का, यानी सिंगर हमारे छोटा भाई टुनटुन जी का जन्म है और आज ही के दिन वो इस धरती पे आए थे और पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं वो। तो मेरे जी और राजा जी हो, नमस्ते प्रणाम। और हमारे भाई अहिरान स्टार टुनटुन जी का, यानी सिंगर हमारे छोटा भाई टुनटुन जी का जन्म है और आज ही के दिन वो इस धरती पे आए थे और पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं वो। तो मेरे तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से टुनटुन आपको हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, ढेर सारी शुभकामना आपके जन्मदिन की, कि आप ऐसे ही एकदम अपना झंडा लहराते रहिए, हमारी शुभकामना है और पूरी भोजपुरी के दिल पे राज करते रहिए। लव यू भाई। जी हाँ भैया जी, तो कर दे कर लो और बड़े भैया खेसारी भैया का भी वीडियो आई और दिल से धन्यवाद खेसारी भैया। और आप जान हैं और ऐसे ही मोहब्बत अपने भाई पे बनाए रखिए। और आपको क्या कहना है, और आप जब तक इंडस्ट्री में रहिए नंबर वन रहिए, मैं यही चाहता हूँ। और जैसे ही पॉलिटिशियन में आइए तो पॉलिटिशियन में भी सारे भोजपुरी कलाकारों से एक अलग रहिए और नंबर वन रहिएगा पॉलिटिशियन में भी। और आप लोग दबा के शेयर करिए। लव यू, बाय बाय। सब हो चाहे टेलीग्राम हो, सब पे मुझे मोहब्बत मिल रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो। और सारे डिजिटल के लोगों ने मेरे लिए पोस्टर बना के सब लोग अपने अपने आईडी पर डाले हैं, दिल से धन्यवाद। और सारे लोग को दिल से धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि और हमारे अपना स्टूडियो कालिका परिवार, अनिल यादव जी के पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद। और वो मेरा अपना ही स्टूडियो है और उस परिवार से मुझे भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहे हैं। हमारे क्षेत्र के सारे हमारे नौजवान साथीगण, जो लोग हमारे साथ पढ़े हैं, सब लोगों ने मुझे मोहब्बत दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़बरदस्त और तरीका से आप सब पोस्ट करी जा और एक कोनो कोना ना खाली रह के चाहिए, तो जहाँ एहसास ना हो कि भाई के तार लोग का जन्मदिन हो और हई आदमी ना जल।